मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से गुजरात के कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का ही गुजरात की राजनीति का नेतृत्व करता रहा। यही वजह है कि अब जब चुनावों की रणभेरी फिर बजी है तो लोकप्रियता के लिटमस टेस्ट में प्रतिष्ठा भी उन्हीं की दांव पर लगी है। कश्मीर की कन्याकुमारी अनेक आसाम जिले गुजरात सुधी समग्र देश आज विकास ना रस्ता पर आगर बढ़ी रहा छे एनु गौरव छे। मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है, पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। ये गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। बीजेपी के लिए गुजरात में किसी कमी की कोई गुंजाइश नहीं और लक्ष्य इस बार पहले से भी बड़ी जीत को हासिल करने का है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का काम और नाम लेकर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक गुजरात में वोटों की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। पता सबको है, निर्णय जो भी होगा वो सीधे पीएम मोदी की विश्वसनीयता से जुड़ेगा। एक गुजराती चाहे मारो आदिवासी हो, चारो मारो मावसीमारी हो, चाहे शहर में रहते हो कि गामडा में रहते हो, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने एटलाज माटे प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मन नो अवाज बोले छे, प्रत्येक गुजरात ना हैया माथी नाद निकले छे। कयो नाद निकले छे? कयो नाद निकले छे? आ गुजरात मैं बनाव्यू छे। दरअसल साल 2000 से लेकर 2013 तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से रहे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गुजरात की राज्य सत्ता पर उनका प्रभाव हमेशा बना रहा। मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों के बदलाव तक जितने भी फैसले लिए गए उनमें मोदी निर्णय की छाप रही। मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2 साल में उम्र का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन 2022 के चुनावों से पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने। इस समय भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए भाई। आ वक्त गुजरात की जनता है नरेंद्र ना रेकॉर्ड तोड़ी ने भूपेंद्र ना नवा रेकॉर्ड बनावनु नक्की कर दी। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सच्चाई है मोदी मैजिक की मजबूती की कि इन चुनावों के प्रचार युद्ध में भी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, किसी के निशाने पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बल्कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए, इसको फ्री की रेवड़ी मत कीजिए। कहा जा सकता है कि गुजरात का चुनाव देश का मिनी चुनाव बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे देश के चुनाव में मोदी वर्सेस ऑल होता है। यहाँ भी गुजरात की राज्य सरकार नहीं बल्कि मोदी वर्सेस ऑल जैसी स्थिति ही है। पीएम मोदी हालात को समझ रहे हैं और इसी वजह से सरकार नहीं बल्कि गुजरात की जनता से 25 साल का भविष्य चुनने की गुहार लगा रहे हैं।